हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी आज नारनौद पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं खांडा मोड़ पर सैनी समाज की तरफ से भी नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। वहीं नायब सिंह सैनी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि हम आगे भी भाजपा की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन के अंदर घोषणाएं होती थी और फिर भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बीजेपी जनहित में काम करती है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, मनोहर लाल जी की नीतियों को, जो नीचे तक दूर से दूर बैठे हुए लोगों तक ये पहली बार है कि लाभ पहुंच रहा है। कांग्रेस के शासन के अंदर घोषणा होती थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, और ये पहली बार इन 9 वर्षों के अंदर हुआ है कि गरीब व्यक्ति तक वो डायरेक्ट सीधा लाभ उसके खाते के अंदर जा रहा है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। ये जितने काम किए हैं उन सब कामों को लेकर के नीचे लोगों तक जाना ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है। 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल काम के दम के ऊपर कितना काम किया है, ये रोड मैप तैयार हुआ है कि आज हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने नहीं जाना पड़ता। आज हमारे जो आयुष्मान कार्ड है 5 लाख रुपए तक का, पहले 2014 से पहले इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखना पड़ता था, अगर पैसे नहीं मिलते थे इलाज नहीं करा पाता था, आज सिर ऊंचा करके हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। ये सारा सम्मान अगर दिया नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने, ये आप गलत बात कह रहे हैं, ये नहीं है। पार्टी का पूरा टर्म पूरा हुआ है, पूरे टर्म के अंदर हमारा राजस्थान का भी बदला है, यहाँ भी बदले हैं, और धनखड़ जी हमारे सीनियर नेता हैं और उनका आशीर्वाद आगे भी मिलेगा आशीर्वाद। वहीं नायब सैनी ने मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के सवाल पर कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ एक दिग्गज नेता हैं। उनका हमें पहले भी आशीर्वाद मिलता रहा और भविष्य में भी उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। भाजपा 36 बिरादरी की पार्टी है और प्रदेश में सभी विधानसभा का समान तरीके से विकास करेगी। नारनौंद से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।